नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज मैं पम्पकिन का पराठा बना रही हूँ। पम्पकिन का पराठा खाने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लगता ही है। आप इसे घर पर ही उपलब्ध सामान से काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं। दिस रेसिपी इज वेरी हेल्दी एंड इजी। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची इस तरह से है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए टेस्टी और हेल्दी पराठे बना लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में आटा लें, इसमें थोड़ी सी अजवाइन और नमक डालिए। अब हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हुए डो रेडी कर लें। गुनगुने पानी से डो लगाने से पराठे काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। पराठे बनाने के लिए डो तैयार है, इसे ढककर रेस्ट करने रख दें। आइए तब तक हम भरावन के लिए पम्पकिन का एक टुकड़ा लें, इसे ग्रेट कर लें। पम्पकिन में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह विटामिन, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसमें लहसुन को भी ग्रेट करें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें एक हरी मिर्च भी बारीक काट कर ऐड करें। इसमें 1/4 चम्मच नमक डालें। ये मैं 1 पिंच हल्दी का यूज कर रही हूँ। 1/4 चम्मच जीरा ऐड करें। हरी धनिया की पत्तियाँ डालिए। अब सारे सामान को मिक्स करें। आटे से एक लोई तोड़ें। मध्यम आकार की लोई लेकर पराठा बेल लें, इसे ज़्यादा पतला ना करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। पराठे के एक भाग में भरावन रखना है, इस तरह से भरावन को रखना है। अब इसे इस तरह से कवर कर दें। किनारों को हल्के हाथ से प्रेस करें। इसके साइड्स को प्रेस करते हुए कांटे की मदद से पैटर्न बना लें। इससे भरावन बाहर भी नहीं निकलेगा और यह देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब गर्म तवे के ऊपर पराठे को रखें। थोड़ा सा घी लगाकर मध्यम आंच पर पराठा सेक लें। इसे पलटकर दूसरी ओर से भी अच्छे से सेकें। 5 मिनट में पम्पकिन का पराठा अच्छी तरह से पक जाता है। गर्मा गर्म पराठे को दही के साथ एंजॉय करें। आप भी एक बार सेहत से भरपूर पराठा ज़रूर बनाएं। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी पौष्टिक भी होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, खाने की चीज़ों को बर्बाद न करें और हमेशा सबकी मदद करें। धन्यवाद।